गर्भ में लड़की होने के एकमात्र अजीब गरीब लक्षण। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में जानेंगे गर्भ में लड़की होने के एक अजीब गरीब लक्षण के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लाऊँ तो आप लोग के लिए पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है, तो उन गर्भवती महिला को जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। इसके लिए वो लोग बहुत सारे उपाय करते रहते हैं, या फिर लक्षण के द्वारा जानना चाहते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला के शरीर में जो हॉर्मोन्स के जो उतार चढ़ाव है बहुत होते हैं, जिसके वजह से एक गर्भवती महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। और दोस्तों, इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चैनल कोई जेंडर प्रोटेक्शन को बढ़ावा नहीं देता है, मेरे लिए लड़का हो या लड़की दोनों समान है, और हर एक माता पिता को अपने बच्चे को समानता देना चाहिए। और दोस्तों, कोई भी लक्षण देखिए 100% सटीक नहीं होता है, आप लोग 80% या 90% ही गेस कर सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं गर्भ में लड़की होने के एक अजीब गरीब लक्षण के बारे में। वो लक्षण है गर्भवती महिला का चेहरा। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला का चेहरा पहले से अभी बहुत ज़्यादा निखर रहा है, या फिर जो गर्भवती महिला का चेहरा का जो ग्लो है वो बहुत बढ़ रहा है, तो जान लीजिएगा कि ये एक गर्भ में पुत्री होने का ही लक्षण है। ठीक है तो दोस्तों, यही था गर्भ में लड़की होने के एकमात्र अजीब गरीब लक्षण के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।